वालेकुम। आज हम प्रेडनिसोन एंड ड्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये स्टेरॉइड है, बीटा मेथाजोन 0.01% इसमें होता है। ये ऑइंटमेंट, इंजेक्शन और टैबलेट तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। ये सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, इस जो कि हर तरह की बीमारियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। आंखों में देखा जाए तो पहली भी, फर्स्ट लाइन भी और लास्ट लाइन भी इसे कंसिडर किया जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिस्टम यह है कि सबसे पहले ही स्टेरॉइड दिए जाते हैं। हालांकि जो रियल ट्रीटमेंट प्लान है, ये ट्रीटमेंट में जायम होता है, उसमें लास्ट में स्टेरॉइड तक जाया जाता है जब दूसरी दवाइयों का असर ना हो, क्योंकि इसके नुकसान ज़्यादा होते हैं इस वजह से। अब ये टैबलेट और ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो इसमें इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कहीं भी एलर्जी हो, अस्थमा का मरीज़, एक्जिमा हो, कंटेक्ट सेंसिटिविटी रिएक्शन आ रहा हो, डर्मेटाइटिस, इंसेक्ट बाइट, किसी कीड़े ने काट लिया हो, क्लाइड स्केरिंग वगैरह हो रही हो, तो इन सब जगह पे इस्तेमाल किया जाता है ये टैबलेट। मतलब जितने भी सांस के या जिल के मसाइल हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके इंट्रेक्शंस या कंट्राइंडिकेशंस देखें तो ये एक्नी वुलगैरिस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर स्किन पर जख्म हो, अल्सर हो। और अगर दवाइयों को देखें तो फेनिट्राइन, रिफम्पिन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर प्रेगनेंसी में, टीबी में और न्यूनेट्स पेशेंट, बच्चे दूध पीते बच्चों में इस्तेमाल हाइगिस ना करें। इसके जो एरियाज हैं, एट्रोपी है, कुशिंग सिंड्रोम है, हाइपरटेंशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेटरी और MI, मतलब दिल की बीमारियाँ होने का, बीपी बढ़ने का, पेट में दर्द, स्नीजिंग वगैरह होने के चांसेस है। इसमें बीपी डाउन होने के भी चांसेस होते हैं। दवाई से स्टेरॉइड है तो इसे एहतियातन इस्तेमाल करना चाहिए। स्टेरॉइड जितना हो सके उसे अवॉइड किया जाए और लास्ट लाइन के तौर पे इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब से भी ये गुजारिश है कि आप काइंडली इन चीज़ों को लास्ट पे स्टेरॉइड्स पे रखा करें, अपने पेशेंट बनाने के चक्कर में, या फिर दवाई मरीज को जल्द आराम आ जाए इस चक्कर में, उसकी सेहत के साथ हरगिज़ मत खेलें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।